वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 16 दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर एंड देन उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर विच इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रेक्टिफायर उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है, तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। तो अभी हमें पीएन जंक्शन डायोड हाउ इट कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर उसका हमें स्टडी करना है। ओके, सो एन एसी वोल्टेज वेरीज साइनोसाइडली। तो हमें पता है एसी वोल्टेज जो है वो साइनोसाइडली वेरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा इट कैन बी वोल्टेज और करंट। ओके, एंड इट इज़ वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट्स वाई इट इज़ अ सिंपली अ साइन वेव। सो इट इज साइनोसाइडली वेरीज, सो एट इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन चेंजेस इन वन साइकिल, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, इन बोथ डायरेक्शन इट कैन बी अ चेंज। सो रेक्टिफायर कन्वर्ट दिस बाई डायरेक्शनल वोल्टेज और करंट इन टू यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज और करंट। ओके, तो रेक्टिफायर जो सर्किट है या रेक्टिफायर जो है, ठीक है, तो रेक्टिफायर इस बाय डायरेक्शनल नेचर को यूनिडायरेक्शनल नेचर में कन्वर्ट करेगा, दैट कैन बी ए वोल्टेज और करंट। सो द कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज इनटू द डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफिकेशन। सो दैट इज द सिंपली डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टिफायर। ओके, द कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज इनटू द डीसी वोल्टेज, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर। ओके, तो ये जो बाय डायरेक्शनल नेचर है एसी वोल्टेज का, ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा ब्लॉक डायग्राम में, अगर इसे हम एज ए इनपुट में देते तो आउटपुट में हमें जो मिलेगा वो डीसी मिलेगा डायरेक्ट, सो दैट हैज़ अ कांस्टेंट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जिस तरह से बैटरीज में होता है, ठीक है। तो बैटरी में जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो डीसी मिलता है, दैट इज़ डायरेक्ट करंट। ओके, सो दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर। मीन्स यहाँ पे हमने बाय डायरेक्शनल जो नेचर है एसी का, ठीक है, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया यूनिडायरेक्शनल में, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, सो दैट इज़ अ रेक्टिफायर। सो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रेक्टिफाइज एसी वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है दैट कन्वर्ट दिस एसी वोल्टेज इन टू द डीसी वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल रेक्टिफायर, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो यहाँ पे मेन दो टाइप्स से रेक्टिफायर के, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स। फर्स्ट वन इज़ द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड विल बी द फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स का हमें डिटेल में स्टडी करना है, सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म, ठीक है, देन उस पर हमें कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसके बाद उसका जो सर्किट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो देखेंगे हम, एंड देन आफ्टर दैट वी स्टडी द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म, एंड लास्ट में हम वेव फॉर्म उसके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर का डिटेल स्टडी करना है। सो फिगर 16.2 शोज द सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, सो दैट विल कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, सो दैट इज अ ट्रांसफार्मर टी, अ पीएन जंक्शन डायोड, द सिंबल इज लाइक अ ट्रायंगल और एरो। ओके, सो दैट इज द सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड, दैट इज अ बेसिक डायोड, द लोड आरएल, दैट इज अ सिंपली रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड एट द आउटपुट, अक्रॉस दैट विल टेक द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आरएल के अक्रॉस हम वी आउट ए जो है आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे, दैट इज़ अ साइन वेव, दैट इज़ अ एसी सिग्नल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वी इन। ओके, मीन्स इनपुट वोल्टेज, और वी कैन से इट इज़ अ वी आई, ठीक है। तो नोटेशन हम कुछ भी दे सकते हैं, वी आई, वी जीरो, वी इन, वी आउट, लाइक दैट, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज जो रहेगा वो एसी वोल्टेज रहेगा, एसी वोल्टेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एज अ इनपुट टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो प्राइमरी जो रहेगा वो कनेक्ट रहेगा एसी को, ठीक है, एंड सेकेंडरी साइड विल कनेक्ट द पीएन जंक्शन डायोड इन सीरीज
and the output is taken across this resistance RL, which is a load. Okay, so that is the simple simply components are connected in this half wave rectifier. Then we'll take the introduction of the circuit diagram. So the secondary coil AB of a transformer is connected in series with the diode D. ठीक है, तो ये जो point AB है ये secondary है of a transformer and it is directly connected in series with this diode D. The use of transformer has the two advantages. तो यहाँ पे transformer use करने के दो advantages है. ये जो transformer है step down transformer है. ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, ट्रांसफार्मर दो टाइप्स में डिवाइड किया ट्रांसफार्मर को, फर्स्ट है स्टेप अप, सेकंड है स्टेप डाउन. तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया है. ओके, सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर है इट अलाउज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द एसी इनपुट वोल्टेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सर्किट वी कैन चूज द ट्रांसफार्मर एज अ स्टेप अप और स्टेप डाउन. And second one advantage is it isolates the rectifier circuit from the main supply to reduce the risk of electric shock. ठीक है, तो यहाँ पे isolate means अलग किया है जो AC supply. ठीक है, with this output तो यहाँ पे directly connection नहीं है. ठीक है, ये primary separate winding है, secondary separate winding है, दोनों में जो है एक gap है and due to that magnetic induction और द म्यूचुअल इंडक्टेंस आर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी कॉइल. ओके, एंड द वोल्टेज विल बी फ्लो थ्रू इट. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक है, ठीक है, वो उसका रिस्क कम रहेगा. ठीक है, या रिड्यूस रहेगा. सो दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द ट्रांसफार्मर. ठीक है, देन द एसी वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल ए बी चेंजेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल. ठीक है, तो ये जो ए बी है ये सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का. ठीक है, तो जैसे ही इनपुट में वोल्टेज चेंज होगा, मीन्स साइकिल चेंज होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव. ठीक है, सो एट दैट टाइम सो द पोलैरिटी ऑफ दिस पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द इनपुट ए सी सिग्नल. Then we study the working of this half wave rectifier. So the AC voltage across the secondary coil AB changes its polarity after the every half cycle. ठीक है, तो हर positive as well as negative half cycle में जो point AB है secondary coil के, उसकी polarity change होंगे, means plus to minus, minus to plus, like that. So when the positive half cycle begins, ठीक है, तो जब भी AC का first positive half cycle appear होगा, that is 0 to pi. ओके, सो एट दैट टाइम द वोल्टेज एट द पॉइंट ए इज हायर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी. ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, जो पॉइंट ए वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, सेकेंडरी का विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, मीन्स पॉइंट ए इज पॉजिटिव एंड पॉइंट बी इज निगेटिव एट दैट टाइम ऑफ सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर, एंड देयर फॉर डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो डायोड है, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड, तो फॉरवर्ड बायस होगा. ठीक है, क्योंकि उसका जो एनोड है वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड. डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, वन इज एनोड, सेकंड वन इज द कैथोड. व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, देन वी कैन से दैट डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड द करंट और वोल्टेज विल बी फ्लो थ्रू इट. ठीक है, तो इस कंडीशन में यही होगा कि यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है एंड जो बी पॉइंट है वो निगेटिव है. ठीक है, तो उसकी वजह से कैथोड निगेटिव होगा एंड द डायोड विल बी अ फॉरवर्ड बायस एंड इट कंडक्ट्स और वर्क एज अ क्लोज स्विच. तो ये डायोड एज अ क्लोज स्विच यहाँ पे वर्क करेगा. ठीक है, लाइक दैट, तो यहाँ पे क्लोज स्विच वर्क करेगा एंड ड्यू टू दैट द करंट इज फ्लो थ्रू द सर्किट. ठीक है, तो ये एक फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हो गया 0 to pi. सेम फॉर सेकेंड हाफ साइकिल व्हेन द निगेटिव हाफ साइकिल, ओके, दैट इज पाई टू टू पाई ऑफ द इनपुट ए सी विल बी अप्लाइड. सो एट दैट टाइम जो कंडीशंस होंगे वो अपोजिट रहेगा, पॉइंट ए इज निगेटिव अपोजिट, ओके, एंड पॉइंट बी इज पॉजिटिव एट दैट टाइम. ठीक है, ऑफ अ सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर सो दैट द एनोड इज
negative and the cathode is positive at that time of a diode. So diode will be act as a reverse bias in that case. Okay, क्योंकि point A negative रहेगा, ठीक है, तो ये negative and point B जो है positive है, ठीक है, तो ये condition opposite हो जाएगा, then we can say that the diode will be work as a reverse bias and due to that reverse bias there is no conduction of current. ओके एंड सो डायोड विल बी एक्ट एज अ सिंपली ओपन स्विच. ठीक है, तो ये यहाँ पे एज अ ओपन स्विच वर्क करेगा डायोड. ठीक है, एंड ड्यू टू दैट देर इज नो करंट पासेस थ्रू द सर्किट, हैंस द डायोड कंडक्ट्स ओनली इन पॉजिटिव अप साइकिल ऑफ एसी इनपुट. तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो भी डायोड है, ठीक है, वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट करेगा, मीन्स ये जीरो टू पाए जो पॉजिटिव अप साइकिल है इनपुट एसी सिग्नल का. ठीक है, ओनली इन दैट कंडीशन, ठीक है, व्हेन ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, ओनली इन दैट केस डायोड विल बी कंडक्ट्स एंड द करंट विल बी फ्लो थ्रू द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड इन सेकंड हाफ साइकिल दैट इज फ्रॉम पाई टू टू पाई देर इज नो कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू द हाफ वेव रेक्टिफायर बिकॉज द डायोड विल बी इज इन रिवर्स बायस कंडीशन. ओके, लाइक दैट. सो दैट इज द सिंपल वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. तो यहाँ पे सिंपली जो निगेटिव हाफ साइकिल है, ओके, सो एट दैट टाइम करंट विल बी ब्लॉक, सो देर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल. ओके, तो यहाँ पे वेव फॉर्म्स दिए, तो यहाँ फर्स्ट जो वेव फॉर्म है वो इनपुट वोल्टेज का है जो हम इनपुट मीन्स प्राइमरी में अप्लाई करेंगे एसी सिग्नल. ठीक है, एंड सेकेंड जो वेव फॉर्म ये आउटपुट वोल्टेज है वी आउट, सो दैट विल बी अ वी आउट एंड इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई वी इन. ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वी आउट. सो इन दैट द करंट इज ऑलवेज फ्लो थ्रू द लोड आर एल. ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है दैट इज आर एल इज द लोड रेजिस्टेंस एल फॉर द लोड. ठीक है, सो इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. तो जो वोल्टेज का डायरेक्शन रहेगा आउटपुट का वो सेम रहेगा, ठीक है, एज अ इनपुट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर में. इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल देर इज ज़ीरो वोल्टेज और देर इज नो करंट और वोल्टेज विल बी फ्लो अगेन फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ पॉजिटिव. ठीक है, विल गेट द आउटपुट लाइक दैट. ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल अगेन इट विल बी अ ज़ीरो वोल्टेज और करंट लाइक दैट. सो इन हाफ वेव रेक्टिफायर it will conduct only during the positive up cycle of the input AC voltage that will get at the output. Okay, so that is a simply half wave rectifier. इसीलिए उसका नाम जो है वो half wave rectifier है. ठीक है, means only half cycle को वो क्या करेगा, output देगा. ठीक है, means that is 0 to 180 degree. Okay, that is 0 to pi. ठीक है, like that. तो 0 to pi के लिए वो conduct करेगा. ठीक है, ओनली फॉर पॉजिटिव अप साइकिल. फॉर नेगेटिव अप साइकिल इट विल बी अ जीरो वोल्टेज एट द आउटपुट. तो अगर पेपर में इस पे क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द हाफ वेव रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म, तो सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम निकालना है. सर्किट डायग्राम के बाद उसका जो सर्किट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें कौन से कॉम्पोनेंट्स यूज किए, कनेक्शन कैसे, इसको एक्सप्लेन करना है. आफ्टर दैट वर्किंग, ओके, वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड उसके बाद आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करना है. ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं. ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सेकंड टाइप है दैट इज़ फुल वेव रेक्टिफायर उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.